भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय 25 दिनों बाद अमेरिका से इंदौर लौटे हैं। लौटते ही वे एयरपोर्ट से सीधे पितृ पर्वत पहुंचे। भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में बिहार सरकार को घेरा है। कहा, बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ तब मैं अमेरिका में था। वहां मुझे एक परिचित ने कहा कि हमारे विदेश में जैसे लड़कियां बॉयफ्रेंड बदलती हैं, वैसे बिहार की राजनीति है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के कांग्रेस के वापस सत्ता में आने के दावे को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ की उम्र 75 से ऊपर हो गई है, उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव को लेकर विदेशों में भी धूम रही, वहां भारतीयों में काफी उत्साह था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को सभी स्वीकारते हैं। संसदीय बोर्ड में शिवराज को हटाने के मामले में कहा कि राजनीति गति से नहीं देखना चाहिए, पार्टी में परिवर्तन होते रहते हैं। सत्यनारायण जटिया को लेने को लेकर उन्होंने कहा कि वह मेरे पुराने मित्र हैं। 1983 में मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा था तो वे उज्जैन के सांसद थे। नए लोगों को भी मौका मिलना चाहिए। पश्चिम बंगाल का प्रभार वापस लेने को लेकर कहा कि पता नहीं मध्य प्रदेश में यह बात कहां से आई, मैं पश्चिम बंगाल का प्रभारी था और अभी भी हूँ। मैं पश्चिमी बंगाल के प्रभार से अभी तक मुक्त नहीं हुआ हूँ। नगर निगम में MIC के नामों की घोषणा को लेकर कहा कि मैं छोटे मोटे मामले में कुछ कहना नहीं चाहता। आपको बता दें कि इंदौर की MIC को लेकर जल्द ही फैसला होने वाला है। बताया जा रहा है कि विजयवर्गीय के आने के बाद ही इस पर फैसला होने की चर्चा चल रही थी। भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी बिहार के CM नीतीश कुमार पर जमकर बरसे। बिहार में बनी महागठबंधन की सरकार को लेकर पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि वह बिहार की नई सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। हालांकि इस दौरान जैसे ही पत्रकारों ने नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि देश में प्रधानमंत्री की कुर्सी खाली नहीं है, नीतीश बिहार के आखिरी बार CM है। बिहार की सरकार बदली तो एक ने बोला, बोले ये तो हमारे यहाँ होता है, बोले बॉयफ्रेंड कभी बदल लेती लड़की तो बिहार के मुख्यमंत्री की भी ऐसी पूछे थे, कब किससे हाथ मिला ले, कब किसका हाथ छोड़ दे। इसको ये देखना चाहिए कि नए लोगों को भी मौका मिल रहा है। देखिए देवेंद्र फडणवीस नए आए, उसमें भूपेंद्र यादव जी नए आए, तो नए लोगों को मौका मिल रहा है, पर राज्यों में स्थानीय नेतृत्व को भी सम्मान मिल रहा है। और इसलिए यहाँ पर शिवराज जी के नेतृत्व में ये चुनाव होंगे और उनके साथ फिर पूरी टीम होती है।